नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्केस्ट एडिशन में। इतने रोजगार दिए हम, इतने रोजगार दिए जबकि सारे दावे सारे आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं पिछले 4 साल से सरकारी भर्तियां है नहीं। आने वाले 2 साल में 2.5 लाख पद खाली होंगे, तो सरकार कहां से काम चलाएगी? वर्तमान में भी इनके पास पद खाली है, सरकार कैसे काम चलाए? आउटसोर्स, एक कीड़ा इनके अंदर आ चुका है, आउटसोर्स का कीड़ा। आउटसोर्स एक ऐसा एक दानव है जो अच्छे बच्चों का, कॉम्पिटेटिव बच्चों का, हुनर वाले बच्चों का जिंदगी को बर्बाद करता है। और चूंकि आउटसोर्स करना इसलिए आसान होता है तिवारी जी और आकांक्षा मैम, आउटसोर्स से एक फायदा होता है, अधिकारी उसको एकदम कुत्ते की तरह रखते हैं अपने कर्मचारी को। उनको पता है अगर तुम हमारी नहीं सुनोगे तो हम अगले टर्म में तुम्हारा रिन्यू नहीं करेंगे। तो वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, एन केन प्रकार एन, बिना इफ बट कुछ किए वो सिर्फ फॉलो करता है। उनको पता है कि जो आपने बात कही वो ठीक है, लेकिन जो हालात हैं फिलहाल, मतलब एक साल में अगर सरकार आंकड़ा पेश करती है कि सिर्फ एक साल में 5 लाख बेरोजगार जो है रजिस्टर्ड बेरोजगारों की मैं बात कर रही हूँ, अगर एक साल में 5 लाख का आंकड़ा है जो कि रजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड की क्या स्थिति होगी, क्या पिक्चर होगी, वो आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी के जो हालात है, इन हालातों को देखते हुए आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में ये भी एक मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हर एक बेरोजगार युवा को बस करना इतना है कि अपनी दफ्ती में, अपनी एक छोटी सी A4 साइज में, किसी से कहने नहीं जाना क्योंकि वो लोग तो वोट मांगने आपके पास आएंगे, अपने घर के बाहर चिपका देना है, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। आप बताओ, आपके घर वो आपसे मांगने आ रहा है वोट दीजिए, तो आप उससे इतना तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप हमें इसके बदले क्या देंगे? हमें 4 बोरी सीमेंट नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये बताइए कि आज हमारे गांव में हमें रोजगार के लिए आप कौन सी योजनाएं चला सकते हैं? सरजा का बेटा हमेशा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वो बनेगा। तो लोकतंत्र की परिभाषा को समझें। आप जिस कार्यपालिका में जाने का सपना देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक कार्यपालिका इलेक्शन माध्यम से। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।